सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडे सारिआं दा साडे इस यूट्यूब चैनल ते। दोस्तों अज आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं जी क्लास प्लस वन दे फस्ट चैप्टर दी सी एक्सरसाइज, ठीक है, जिस दे विच अपना टॉपिक होएगा जी इंटरवल्स। इंटरवल्स दे बारे डिस्कस करांगे जी। जिहड़े इंटरवल्स ने जी, ये दो टाइप्स हुंदे ने जी। फस्ट है जी अपने कोल फाइनाइट इंटरवल, ते सैकेंड है जी इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है जी। फाइनाइट इंटरवल दी अगे अपने कोल कुछ टाइप्स आए ने, जिस विच फस्ट है जी अपने कोल ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है जी। ओपन नाम तो ही क्लियर है, जिहड़ा ओपन होवे, ठीक है जी। देखो इंटरवल हुंदा की है, कहिंदे किसी भी दो पॉइंट्स दे विचकार दा जिहड़ा रीजन है, ठीक है जी। किसी भी सपोज कर लो अपने कोई नंबर लाइन है जी, ठीक है जी। इस तरह अपन नंबर लाइन ड्रा करते थे 0, 1, 2, 3, 4 सोन आप, इस तरह आप नंबर डिनोट करते, तो जो आप कह सकते हैं 0 ते 3 के विचकार जो रीजन है, एक ही है जी, एक इंटरवल है, ठीक है जी। इस तरह 1 ते 2 के विचकार भी हो सकता है, 2 ते 3 के विचकार भी, 1 ते 4 के विचकार कोई भी रीजन हो सकता है, इस तरह, ठीक है जी। दो पॉइंट्स के विचकार उसनों आप की कहेंगे जी इंटरवल। तो जिंदा दो पॉइंट्स के विचकार होएगा जी, वह कड़ा होएगा जी फाइनल इंटरवल आपू गिना, क्यों कहता फस्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट जो है आपको पता है, नोन है, ठीक है जी। हाँ जी, देखो अगर आएगा ओपन इंटरवल, कहते ओपन इंटरवल का की डेफिनेशन है जी, कहते सैट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी इज सेट टू फॉर्म एन ओपन इंटरवल। जिहड़ा ए ते बी दे जिहड़ा विचकार लाई करे उसनों आप की कहांगे जी ओपन इंटरवल, ठीक है जी। इन्हों आप इस तरह ए ते बी ब्रैकट ओपन ब्रैकट दे विच शो करांगे। जेकर ग्राफिकली आप रीप्रजेंट करना तो इस तरह कर सकते हैं जी, इतने आपू गिवन जो ए है वह बी तो लैस है, यानी कि ए की वैल्यू बी तो की है जी लैस। हूँ ए लैस है तो फिर ए लैफ्ट साइड तो होएगा, बी की होएगा जी राइट साइड, क्योंकि बी ग्रेटर है। हूँ इन विचकार वाला रीजन होएगा इस तरह, आचकार विचकार वाला, ठीक है ना, भी ए तो बी वि इनकलूड नहीं करने आप, इस तरह बना सकते हैं। जेकर बनावेंगे ना इस तरह होलो, तो विचकार आप इस तरह एक लाइन शो करती डार्क लाइन, यानी कि जी वैल्यू हैगी है वो ए तो बी के विचकार है, ए तो बी के इक्वल नहीं हैगी। इस आप की कहेंगे जी ओपन इंटरवल, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी, शो कर देंगे। या फिर इस तरह अपने को एक्स है, एक्स इज ग्रेटर दैन ए एंड लैस दैन बी, इस तरह आप इसनों शो कर सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट है जी सैकेंड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, हूँ क्लोज्ड इंटरवल नाम तो क्लीयर है जी, वो इंटरवल जिहड़ा सेम डेफिनेशन द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी इनकलूडिंग ए एंड बी, उत्थे की आ जाएगा जी ए ते बी विच इनकलूड हो जाएंगे, ठीक है। देखो लिख दें जी द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी, इनकलूडिंग ए एंड बी, ए तो बी नूं आपां की करना जी विच इनकलूड करना है, ठीक है जी। इन्हां आपां की कहांगे टू फॉर्म एन क्लोज्ड इंटरवल, ये की बन जाता जी क्लोज इंटरवल बन जाता है। जेकर आपां इहनूं इस तरह डिनोट कर सकते फिर ए ते बी दे इत्थे स्केयर ब्रैकट यूज करें, क्लोज्ड ब्रैकट, ठीक है जी। ए ते बी दे विचकार इहदा स्केयर ब्रैकट का मतलब है जी जिहड़ा ए ते बी वैल्यूज दोनों इनकलूड ने विच, ठीक है जी। जेकर आपां ग्राफिकली रीप्रजेंट करना है जी, इत्थे भी आपां नूं पता है जी ए इज लैस दैन बी है, ठीक है जी। फिर ए लैफ्ट साइड तो होएगा जी, बी राइट साइड तो होएगा। तो हुण ए ते बी विच ने आप जो होलो होने की कर देंगे जी डार्क कर देंगे,
ठीक है जी। इहदा मतलब की है जी, ए ते बी की ने जी इनकलूड ने विच, ठीक है जी। तो इस तरह रीप्रजेंट करना है, इतने नाल फिर की आ जाएगा जी, ईक्ल का निशान आ जाएगा जी। एक्स इज लाइज बिटवीन ए एंड बी आलसो ईक्ल टू ए एंड बी, ए तो बी का की आ जाएगा जी, नाल ईक्ल भी आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, नैक्सट है जी अपने को सैमी ओपन और सैमी क्लोज इंटरवल। सैमी ओपन और इन्हों आप सैमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं जी। सैमी ओपन यानी कि अद्धा खुला या फिर अद्धा बंद भी कह सकते हैं इंटरवल, ठीक है जी। जिस तरह गिलास अद्धा पानी ना भरया, अपन इस तरह कह सकते हैं अद्धा खाली है, या भी कह सकते अद्धा भरया है उस तरह, ठीक है जी। ये भी सेम डेफिनेशन है जी, जिहड़ा इंटरवल है एक साइड तो क्लोज्ड होवे, दूसरी साइड तो की होवे जी ओपन होवे, वो कि मर्जी साइड हो सकती है। इस तरह भी हो सकता जी, अपने को केस बन सकते जी। हाँ देखो जी, ए वाली साइड ओपन है तो बी वाली साइड क्लोज्ड है, तो इस तरह भी हो सकता है जी, ए वाली साइड क्लोज्ड होवे तो बी वाली साइड ओपन होवे। आपां इहनूं फिर इस तरह डिनोट कर देंगे जी, ठीक है जी। ए वाली साइड तो इक्वल आ जाएगा, बी वाली साइड तो ओनली ग्रेटर आ जाएगा नाल, ठीक है जी। इत्थे की आ जाएगा जी, जिहड़ा ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए एंड लैस दैन बी, ठीक है जी। जेकर आपां ग्राफिकली रीप्रजेंट करना है जी, तो यह आ जाएगा जी ए बी, हुण ए वाली साइड ओपन है तो इतने होलो रहन दिओ जी, ठीक है जी। तो बी वाली साइड क्लोज्ड है, इहनूं डार्क कर देंगे। जे ए साइड आपां इहदा बनावांगे ग्राफ तां की बनेगा जी, ए ए है, ए बी है, तो इत्थे आपां ए वाली साइड क्लोज्ड है तो इहनूं डार्क कर देंगे, तो बी वाली साइड ओपन है तो उहनूं आपां होलो रहन देंगे, ठीक है जी। ये अपने कोल की बन जाएंगे जी, सारे केस बन जाएंगे सैमी ओपन और सैमी क्लोज इंटरवल दे। क्लियर है जी। हाँ जी, तो नैक्सट है जी अपने को इनफाइनिट इंटरवल। इनफाइनिट इंटरवल, हम इनफाइनिट नाम तो ही क्लियर है, जिंदे च जिहड़े पॉइंट्स होन इनफाइनिट होन, ठीक है जी। देखो जिस तरह आप कहते सैट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन ए, आप इस तरह लिख सकते हैं, कहते द सैट ऑफ ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन ए, यानी कि एक्स की वैल्यू ए तो ग्रेटर है। हुण ए तो ग्रेटर जिहड़ी हैगी है किन्नी भी हो सकती है, कदे खत्म ही नहीं होनी है इस तरह, ठीक है जी। ए तो ग्रेटर है इनफिनिटी तक, इनफिनिटी वाली साइड तो आप हमेशा ही की यूज़ करना है जी, ओपन ब्रैकट यूज़ करना है। इतने सिर्फ ग्रेटर है तो आप ओपन ब्रैकट आ जाएगा, जे ग्रेटर दैन और इक्वल टू आ जाएगा, ये फस्ट केस है। सैकेंड केस में की आ सकता जी, एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, उसे की आ जाएगा जी ए टू इनफिनिटी। इनफिनिटी वाली साइड तो आप ओपन ब्रैकट लिखांगे, ए वाली साइड तो आप की कर देंगे जी क्लोज्ड कर देंगे, ठीक है जी। ये अपने को सैकेंड केस आ जाएगा, ये फस्ट केस है जी। थर्ड केस दे विच अपने को की आ सकता है जी, द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स इज लैस दैन ए लिखा जा सकता है, एक्स इज लैस दैन ए, ठीक है जी। लैस दैन ए लिए फिर की हो जाएगा जी, ए टू इनफिनिटी, इनफिनिटी टू ए, ठीक है जी। जिहड़ा फोर्थ हैगा जी, उन्दे च ए आ सकदा जी, एक्स इज लैस दैन और इक्वल टू ए, ठीक है जी, यानी कि इनफिनिटी टू ए। इधर ए वाली साइड ते क्लोज्ड आ जाएगा, तो इनफिनिटी वाली साइड ते ओपन ही आएगा, ठीक है जी। उस तो बाद लास्ट केस अपने को बन सकता जी, जदों सारे रियल नंबर द सैट ऑफ ऑल रियल नंबर सारे होन इन सारे, ठीक है जी। वो फिर की बनेगा जी, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, यानी कि दोनों साइड ते ओपन इंटरवल, ठीक है जी। इन सारे ही नंबर आ जाएंगे, सारे रियल नंबर, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है जी अपन, ठीक है जी। ए सीगा अपना इनफाइनिट इंटरवल, ठीक है जी। इस तो बाद है जी अपने को नैक्सट टॉपिक है जी अपना सबसेट। सबसेट, ठीक है जी। हुण सबसेट की गल तो बड़ी ध्यान दे नाल सुनना है जी। इन्हें की है, कहते लैट अपने को दो सैट ने जी, ए एंड बी,
लेट ए एंड बी आर टू सैट्स, दो सैट्स हैगे ने जी, ठीक है जी। अपने को हुण आपां लिखांगे द सैट ए, डेफिनेशन बड़ी ध्यान नाल सुनी, द सैट ए इज सैड टू बी सबसैट ऑफ सैट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सैट बी। यानी कि सैट ए का सारे एलीमेंट जोड़े है वो सैट बी दे भी एलीमेंट हो। सिंपल भाषा के आप कहे जिन्हें भी एलीमेंट सैट ए दे विच ने वो सारे ही जेकर बी दे विच भी होंगे तो आप लिखा जो सैट ए है वह बी का की है जी सबसैट है, ठीक है जी। इन आप कि लिखा जी मैट्रिकली ए इज सबसैट ऑफ बी, आ सबसैट का की है जी सिंबल है। जिहड़ी साइड ओपन है जी वो मेन है सैट, आप इन सुपर सैट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो इन लाइन वैसे नीचे लगाई रहा जी, ठीक है जी, इस तरह कर देना, चलो इन समझना नीचे लाइन हैगी है, ठीक है जी। आ इस तरह हैगा जी सी टाइप जो है थोड़ा आप लंबा कर देना है, जिमें कह लो यू नू आप टेढ़ा करता है, ठीक है जी। हाँ जी आप की पढ़ा जी ए इज सबसैट ऑफ बी, जिन्हें भी एलीमेंट ए दे विच ने वो सारे की ने जी बी दे विच प्रेजेंट ने। यानी कि आप कह सकते जो ए सैट हैगा वह बी दे विच ही हैगा, यानी कि ए इज कंटेन्ड इन सैट बी, ठीक है जी। जो सैट ए हैगा वह किन दे विच हैगा जी बी दे विच कंटेन्ड हैगा, या फिर कह दे बी कंटेन्स ए, यानी कि बी ने ए नू आप दे विच समाया होया है आप दे विच है। तो आप इस नू ए भी लिख सकते हैं दैन सैट बी इज कॉल्ड सुपर सैट ऑफ ए, ए दा की है जी सुपर सैट है। इनू आप इस तरह ऐसे बी इज सुपर सैट ऑफ ए, इस तरह पढ़ा बी इज सुपर सैट ऑफ ए, या फिर ए इज सब सैट ऑफ बी, ठीक है जी। हाँ जी इस तरह आप इनू रीड करेंगे, क्लीयर है जी। हाँ जी हूँ एक गल बड़े ध्यान नाल सुननी है, यानी कि फर्स्ट है कहते एवरी सैट इज ए सबसैट ऑफ इटसैल्फ, हरेक सैट आपदे आप का सबसैट होंगे, यानी कि ए इज सबसैट ऑफ ए। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल मान लिखो आप एलीमेंट लिखते वन टू, ठीक है, सेम एलीम सैट है वन टू, देखो ए दे विच वन टू ने, यह सारे वन टू एलीमेंट इधर भी है, यानी कि ए ए इज सबसैट ऑफ दिस ए आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इक्वल ने पर आप भी लिख सकते हैं ए इज सबसैट ऑफ ए, क्योंकि जिन्हें एलीमेंट इधर ने वन टू वो इन प्रेजेंट ने, कोई घट है ही नहीं, ठीक है जी। हाँ जी नैक्सट है जी सैकेंड नल सैट इज ए सबसैट ऑफ एवरी सैट, जो नल सैट हैगा जी वो सबसैट हुंदा है एवरी हरेक सैट का, ठीक है जी। यानी कि नल सैट आप डेफिनेशन पढ़ी सी लास्ट इज सबसैट ऑफ ए, कोई भी लेट एलीमेंट सैट है जी ए जो फाई है वह किंदा सबसैट है जी ए का सबसैट, ठीक है जी। हाँ जी नैक्सट अपने को जी कंपेरेबल सैट, कंपेरेबल सैट टू सैट्स ए एंड बी आर सैट टू बी कंपेरेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसैट ऑफ बी और बी इज सबसैट ऑफ ए, ठीक है जी। यानी कि दो सैट्स नू टू सैट्स आर सैड टू बी
comparable if and only if either A is a subset of B or B is a subset of A. ठीक है जी, ये तो A B का subset होवे या B A का subset होवे, क्लियर है जी। हाँ जी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं भी दो सैट जोड़े है सैट टू बी इक्वल कंपेरेबल, आप भी लिख सकते हैं दो सैट टू सैट्स आर सैट टू बी इक्वल इफ ए इज सबसैट ऑफ बी एंड बी इज सबसैट ऑफ ए। जो आप कंपेरेबल यूज करना है उदो आइदर या तो ए इज सबसैट ऑफ बी और बी इज सबसैट ऑफ ए, या फिर ए एंड बी आर सैट टू बी इक्वल, जो आप इक्वल यूज करता फिर ए बी का एंड बी ए का सबसैट होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। नैक्सट है जी अपने को प्रोपर सबसैट, प्रोपर सबसैट प्रोप क्लीयर है डेफिनेशन तो, प्रोपर यानी कि सिर्फ प्रोपर सबसैट होवे इक्वल ना होवे। जिथे लास्ट आप कर रहे थे ना कीवर्ड्स कर रहे भी एवरी सैट इज ए सबसैट ऑफ इट सैल्फ, ए इज सबसैट ऑफ ए। ठीक है ना, हरेक सैट आपदे आप का सबसैट होंगे क्योंकि वह इक्वल होंगे, जिहड़े सैट इक्वल होंगे ने वह सबसैट भी होंगे ने, पर इतने सिर्फ प्रोपर सबसैट होना चाहिए इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आप लिखा कहते इफ ए इज सबसैट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए सिर्फ बी का की हो सबसैट हो पर उन्हें इक्वल ना हो, देन वी से दैट ए इज प्रोपर सबसैट ऑफ बी, जिहड़ा ए हैगा वह बी का की है जी प्रोपर सबसैट हैगा, क्लीयर है जी, सिर्फ सबसैट इक्वल नहीं। ठीक है जी, नैक्सट है जी पावर सैट, पावर सैट की होंगे जी, कहते जी किसी भी सैट के जिन्हें भी पॉसीबल सबसैट होंगे उन्हें सारे की कलैक्शन। ठीक है ना, की होगी जी द कलैक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सैट ए। ठीक है जी, हुण इनू आपां पी ऑफ ए नाल डिनोट करते हैं जी पावर सैट नू। ठीक है जी, लैट मान लो अपने कोल ए कोई सैट है जी 1 2 3। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल तो इन्हें केड़े केड़े सबसैट होणगे जी, देखो मैं तुम्हें दस्या सी किसी भी सैट का एक तो 5 सबसैट होंगे जी। ठीक है, एक आप कला 1 लिख सकते हैं क्योंकि इधर 1 हैगा वेखो इधर ही 1 हैगा। ठीक है जी, होर सबसैट लिखने कला 2 लिख सकते हैं, वेखो ए सैट के 2 हैगा जी, इन्हें भी 2 हैगा, वेखो ए इनका सबसैट है। नैक्सट आप लिखा जी कला 3 लिख सकते हैं, वेखो इधर 3 हैगा इधर भी 3, क्योंकि सैट की होंगे जो करली ब्रैकेट के कोई एलीमेंट लिखा जाता। ठीक है जी, उस तो बाद आप लिख सकते हैं 1 2 लिख सकते हैं, देखो इधर 1 2 है, इधर ही 1 2 है, ये सबसैट है। देखो अगे 1 3 लिख सकते हैं जी, 1 3 है, इधर ही 1 3 है। नैक्सट है 2 3, आ वेखो इधर भी 2 3 है। नैक्सट है 1 2 3, 1 2 3 इतने, इधर ही 1 2 3, यानी कि यह जो सैट है इनका ए का की होगा जी सबसैट होगा। हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 जड़े हो गए, इन्हों सारे आप एक सैट के लिख देना तो यह की बन जाएगा जी पावर सैट ऑफ ए, क्लीयर है जी, ये की आ गया जी पावर सैट ऑफ ए, ए का की है जी पावर सैट। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरह। नैक्सट है जी अपने को यूनीवर्सल सैट, यूनीवर्सल सैट राजे ओ सैट हों जो आप कंसिडर करते हैं जिंद बाकी सारे की हो जी सबसैट हो, जोड़ा कि मेन ए सुपर सैट हों, मेन आप कह सकते हैं जी। ठीक है जी, इफ देर आर सम सैट्स अंडर कंसीडरेशन जो आप कंसिडर किए ने, दैन द सैट ऑफ ईच ऑफ दीज इज ए सबसैट इज नोन एज यूनीवर्सल सैट, जिन्हें भी जो हरेक जो सैट है इनका की हो जी सबसैट हो, क्लीयर है जी। इस जो यूनीवर्सल सैट नू एक्स या फिर ई दे नाल आप डिनोट कर सकते हैं, क्लीयर है जी। ये राजे आप जी अपनी अज की इंट्रोडक्शन इस एक्सिस के बारे,
नैक्सट लैक्चर आप इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा जी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर, थैंक यू जी।